मियाँ बीवी के ताल्लुक के कुछ ऐसे मसाइल जिनका जानना हर मर्द और औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नंबर एक, मर्द का अपनी औरत यानी बीवी की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम और नाजायज़ है। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर दो, मर्द और औरत को एक दूसरे की शर्मगाह यानी सतर को देखना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए, कि इससे नसियान यानी हाफजा कमज़ोर होने का खदशा है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। नंबर तीन, हम बिस्तरी से एहतलाम और अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद जब दूसरी मरतबा सोबत करना चाहता है तब भी सतर यानी शर्मगाहें लाजमी धो लें और कुछ वक्फा देकर दोबारा हम बिस्तरी करें। बेहतर ये है कि दोबारा हम बिस्तरी करने से पहले वजू करें या गुसल कर लें। नंबर चार, मर्द और औरत बिल्कुल बरहना यानी नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि इससे बेहया औलाद पैदा होने का अंदेशा है और यह हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब है कि हम बिस्तरी करते वक्त कमरा चारों तरफ से बंद हो ताकि कोई आपको देख ना सके। अगर कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान हो तो वो भी बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ में बाहर ना जा सके। नंबर पाँच, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि अपने जिस्म को साफ रखें, गैर ज़रूरी बालों को जिस्म से साफ करें ताकि हम बिस्तरी के दौरान दोनों को बदबू महसूस ना हो और रोमांस करने में दोनों को मज़ा आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।